एक हिंदू युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उसने पीरान कली और दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी थी, जिसे लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और युवती को दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही प्रशासन को युवती की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के नीमच में रहने वाली हिंदू युवती की दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में युवती ने हरिद्वार के पिरान कलियर दरगाह से नमाज पढ़ने की इजाजत के साथ ही प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग रखी थी, जिस पर वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हरिद्वार जिले में स्थित पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। साथ ही हरिद्वार पुलिस को युवती की सुरक्षा को लेकर जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि अभी तक हरिद्वार पुलिस को नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित फैसला प्राप्त नहीं हुआ है, मगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से युवती को सुरक्षा देने के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है। अगर इस दौरान किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली कि युवती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनके द्वारा पिरान कलियर क्षेत्र में नमाज अदा करने के लिए परमिशन मांगी गई थी। साथ ही साथ सुरक्षा की बात भी की गई थी। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भी विभिन्न माध्यमों से पता हुआ चला है, तो इसमें अगर कुछ शिकायतकर्ता आते हैं या जो भी आदेश है उसका 100% तो पालन किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य कोई भी इस तरह की किसी की शिकायत हो, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जाकर अपने धर्म के अनुसार या कार्य कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है या नमाज पढ़ सकता है। अगर उसमें कहीं कोई अवरोध उत्पन्न करता है और वो गलत काम करेगा, शरारती तत्व कोई भी होगा, तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।